नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने के लिए है जिसे हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जिन लोगों को मालूम हो इसके बारे में वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप जरा से भी एस्पायरिंग स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हैं, आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका कोई करियर बने, तो आपको ये फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं, हमको सच में नहीं मालूम कि हमें किस रास्ते जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लीजिए, अगर आपको, जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ और मुझे पंजाब जाना है, तो मुझे जीटी कैनाल रोड पे खड़ा होना चाहिए, मुझे मालूम है बस पकड़ने के लिए। या मुझे अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बस लेनी, तो मुझे कहाँ से बस मिले, कौन से बस अड्डे से मिलेगी, ISPT से मिलेगी या कालकाजी से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि चंडीगढ़ किस डायरेक्शन में है, पंजाब किस डायरेक्शन में है, उसकी बस कहाँ से मिलती है, और मैं खड़ा हो जाऊँगा ऐसी जगह जाके जहाँ से सपोज जयपुर के लिए बस जाती, तो क्या मैं कभी चंडीगढ़ पहुँच पाऊँगा? अगर मैं पहुँच भी पाऊँगा तो बहुत ही लंबे रास्ते से, कई दिनों का टाइम वेस्ट करके, बहुत सारे एसेट्स वेस्ट करके, अपने हार्ड एंड मनी वेस्ट करके। अगर मुझे ये शॉर्टकट पहले से मालूम हो कि हाँ ये रास्ता सही मुझे मेरे डेस्टिनेशन में लेके जा सकता है, तो स्टॉक मार्केट में तो क्या आप कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं पाएंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे सीधा सीधा पर्पस है कि आपको मैं इस ताकत के बारे में बताऊं कि जिस ताकत को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या हम कहते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको कैसे यूज़ करना है समझ के देखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, स्टॉक मार्केट में करोड़पति बना जा सकता है, करोड़पति का खरबोपति बना जा सकता है। जितने भी बड़े निवेशक हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको ये फॉर्मूला मालूम है और इस फॉर्मूले को ट्रस्ट करते हैं। मालूम आपको और मुझे भी है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम इसके ऊपर काम नहीं करते। जब तक हमें इसकी सही स्ट्रेंथ नहीं पता होगी, सही ताकत नहीं पता होगी, हमें इसको यूज़ करना नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे। देखिए 90% लोग क्या है, बड़ी तकलीफ होती है मुझे जान के, लोग आते हैं ऑप्शंस करने के लिए, फ्यूचर्स करने के लिए, लोग मुझे फ़ोन करते हैं सर फ्यूचर ऑप्शन सीखना है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा आपको, सीखना है मैं सिखा दूंगा, मुझे एक फीस भी मिल जाएगी, लोग सीख के भी चले जाएंगे। बट एक बात बताइए, 100 में से 90 लोग फ्यूचर ऑप्शन सीखना चाहते हैं, 10 लोग इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, और वो 10 लोग अगले 10 साल 20 साल के लिए स्टॉक मार्केट में दिखाई देते हैं, बट जो 90% लोग जो फ्यूचर और ऑप्शन से अपना करियर शुरुआत करते हैं, वो अगले 2-3 साल में गायब हो जाते हैं, शायद कुछ लोग तो 2 महीने में गायब हो जाते हैं। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस को मास्टर करना एक स्किल है, आपको उसके ऊपर बहुत ही प्रोफेशनल की तरह काम करना पड़ता है। लोग अपने जॉब के साथ काम करते हैं, वो काम करने का तरीका नहीं है गाइस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और टाइम पास के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो इस टाइम पास नहीं है, दिस इज अ सीरियस बिजनेस, ये बहुत सीरियस है, आप इसे मस्ती नहीं कर सकते। यू जस्ट कैनॉट टेक दिस बिजनेस फॉर ग्रांटेड। तो नथिंग इज फ्री इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड, आप ये समझ लीजिए। और आपका पैसा तो आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा आपने कमा लिया है, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपके पास वो जरिया है पैसा कमाने का, अब उस पैसे को लगाना सीखिएगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन से ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुँचा सकूँ। और इस नॉलेज को शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने टूल के ऊपर में, विच इज एक्सेल शीट। एक्सेल शीट को यूज करना सबको आता हुआ, नहीं भी आता हुआ तो मैं आपको सिखा देता हूँ आज, बिल्कुल बेसिक से ये बता रहा हूँ आपको। मैं पहले कॉलम में मैंने डाला नंबर ऑफ ट्रेड्स या नंबर ऑफ ईयर्स या कुछ भी करना चाहिए, ये नंबर्स है बेसिकली। हम देखेंगे कितने ट्रेड्स में हम करोड़पति बन सकते हैं, कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो कितना जल्दी काम करते हैं, कितनी जल्दी रिटर्न्स निकालते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, सब चीज़ें बिल्कुल बारीकी से सीखने वाले हैं। दूसरा कॉलम मैंने रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000, 10 करोड़, जिससे आप स्टार्ट करना चाहें। बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए बाजार से। 10% मैंने खाली लिख के रखा है, हम स्टॉक मार्केट से कम से कम 18-20% की रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं, वरना स्टॉक मार्केट में आने का कोई फायदा नहीं है। और ये बड़ी रियलिस्टिक रिटर्न है, बहुत सारे स्टॉक्स तो साल में डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं, 200-300% की रिटर्न भी आ जाती है, आपको मालूम हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रन करते हैं, 4,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसे दे देती हैं। बट आपका मेन फोकस स्टॉक सिलेक्शन पे होना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए, उसमें निवेश करने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। स्टॉक मार्केट में पहले ट्रेडिंग के लिए मत आइए, क्योंकि ट्रेडिंग अगर पहला मोटिव होगा आपका, तो आप नुकसान खाने के लिए तैयार हो जाइए, और जिस दिन एक भारी नुकसान हुआ आप बाजार से बाहर हो जाएंगे।
बट अगर पहला मकसद अगर आपका निवेश करने का होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मिल जाएंगी और आप बाजार के लॉसेस से डरेंगे नहीं, बाजार से बाहर नहीं होंगे। बाजार में टिके रहने के लिए लंबे, गाइस मैं 20 साल से हूँ, 20 साल से स्टॉक मार्केट में लॉसेज भी देखे हैं, शुरुआत लॉसेज से ही हुई थी। अच्छे सफल निवेशक जितने भी दुनिया में रहे हैं, जो आज भी बड़े बड़े निवेशक हैं, उनको लॉसेज आज भी होते हैं, बाजार से बाहर नहीं होते। दे नो दिस फॉर्मूला कि हमें क्या निकालना है, साल में क्या रिटर्न निकालनी है हमें, उस पर उनका फोकस रहता है। तो चलिए बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 15% की रिटर्न तो हम मान लेते हैं, एक बहुत ही कंजर्वेटिव 15% हमने भरा इसमें। ये रिटर्न से बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब इसके ऊपर 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रुपये की रिटर्न आनी है वाली है 10,000 के ऊपर में। हमने लास्ट कॉलम को रखा है कैपिटल के लिए, मतलब कैपिटल क्या हो जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 रुपये की थी, 1500 की हमने रिटर्न कमाई, तो दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम, ये हमने फॉर्मूला आपको दे दिया, ये कैपिटल आपकी बनके तैयार होगी। अगर आपको ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस एक्सेल शीट को डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। और देखिए चलिए अब देखते हैं पावर क्या होगी। अब पहले साल फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमने 10,000 रुपये लगाए, कंजर्वेटिव रिटर्न आती है 15% की साल में एक बार, जो FD से ज्यादा है, किसी भी एसेट क्लास से ज्यादा है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड्स में भी 15-18% के आसपास की रिटर्न रहती है, उसको बढ़ा के देखेंगे क्या मेरे हो सकते हैं। 11,500 रुपये हमारे एक साल की रिटर्न्स हो जाएगी। अगले साल कैपिटल क्या होने वाली है, अगले साल हमारा यही कैपिटल हम इन्वेस्ट करने वाले हैं और हम ये मान लेते हैं कि अगले साल भी हमारी रिटर्न्स 15% की आएगी, तो अगले साल हमारी रिटर्न्स क्या हो जाएंगी, फिर हम ये फॉर्मूला इस पे लगा देंगे, तो अगले साल हमारी रिटर्न्स 11,500 के ऊपर में 15% आने वाली 1725 रुपये। फिर हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,500 प्लस दी रिटर्न 1725, तो 13,225। इसको ड्रैग करने के लिए जैसे ये यहाँ कर्सर इस शेप को ले लेता है तो डबल क्लिक करते हैं तो पूरे नीचे तक फॉर्मूला लग जाता है जहां तक आप जाना चाहते हैं। रिटर्न्स को हम ये मान लेते हैं कि रिटर्न्स 15% की लेके चल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला लगे है वो भी ट्रैक कर लीजिए और हमारा ये पूरा एक्सेल शीट तैयार हो जाती है। कैसे देखिए, कितने सिंपल तरीके से ये आपको मोटिवेट करेगा, ये सबके सामने होना चाहिए। आपने 10,000 रुपये लगाए एक साल पहले, 20 साल के बाद, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स या नंबर ऑफ इयर्स आप कर सकते हैं, 20 साल में मेरे वो बढ़के 1,63,000 रुपये हो जाते हैं, 1,63,000, मतलब मेरा पैसा 10 टाइम्स हो जाता है गाइज। 20 साल में 10 टाइम्स कोई बैंक नहीं कर सकता, कहीं नहीं हो सकता, ना किसी प्रॉपर्टी में हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। सिर्फ स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको सरप्राइज कर सकती है। अब आपके ऊपर है, आप भाई कहेंगे 1 लाख से क्या होने वाला है, इससे कैपिटल बढ़ाइए ना, 1 लाख को हम कर देते हैं सीधा सीधा 1 लाख रुपये, ठीक है, 5 जीरो लगाते हैं और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट चलेगा। 1 लाख रुपये 15% के हिसाब से हमारे बन रहे हैं 16,36,000 रुपये। तो हम लिख लेते हैं, अगर 1 लाख रुपये हम लगाते हैं और हमें कुछ 15% की रिटर्न्स आती हैं तो हमारे 20 साल के बाद में वो बन जाते हैं 16,36,654। थोड़ा सा खेल करके देखते हैं, ये एक्सेल शीट में मैं खेलता रहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। अब ये साल की बात है, स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो एक एक क्वार्टर में 15% देते हैं, तो आपके खाली 20 ट्रेड कहलाएंगे। अगर आप हर क्वार्टर में एक 15% का ट्रेड मार पाते हैं, जो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, ढंग से प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको 18% करके देखिए तो देखिए कितना चमत्कार होने वाला है। जो आपके पैसे सिर्फ 3% से मैं आपकी रिटर्न्स बढ़ा रहा हूँ, ओनली बाय 3%। आप कहेंगे 3% से होता क्या है, 3% से चमत्कार ये है कि ये जो आपके 1 लाख रुपये हैं ये बन जाते हैं 27,39,303। 16 लाख से सीधे बढ़ के 27 लाख रुपए, मतलब एक्स्ट्रा कितने, एक्स्ट्रा 11 लाख रुपए सिर्फ 3% बढ़ाने से। आप कहते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में 20% तो चाहिए ही चाहिए सर, चलिए दे लेते हैं सर 20% ले लेते हैं। 20% साल का अगर आपको मिल जाता है तो यही 1 लाख रुपए आपके बढ़ जाके हो जाते हैं 38,33,760 रुपीज, 40 लाख रुपए। भाई मैं आपको वादा कर सकता हूँ, आप जितनी मर्जी जॉब कर लीजिए, जितनी मर्जी सेविंग कर लीजिए, FDs कर लीजिए, कुछ भी, आप 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए सिर्फ एक बार निवेश कर रहे हैं आप, 1 लाख रुपए को 40 लाख रुपए करा के दिखाइए, बना के दिखाइए, पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोग तो अच्छे होंगे ना, जिनके पास कैपिटल अच्छी होगी, वो 5 लाख से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 लाख से शुरुआत करने वाले लोग हैं तो 20% की अगर साल की भी कंपाउंडिंग कर लेते हैं, साल की, जो वॉरेन बफे कहते हैं कि साल में 22% निकालो बहुत है, राकेश झुनवाला कहते हैं साल में 18% निकालो बहुत है। अरे भाई राकेश झुनवाला का हमने 18% देख लेते हैं, चलिए अगर 5 लाख रुपये आप लगाते हैं एक बार में तो 18% राकेश झुनवाला जी कहते हैं भी 18% से मैं खुश हूँ, कितने इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। तो 5 लाख रुपये 20 साल में आपके बनते हैं 1,36,96,517 रुपये। सीखो ना स्टॉक मार्केट, सीख के करो। आप बोलोगे सर ये पॉसिबल थोड़ी ना कि 5 लाख के 1 करोड़ बन रहे हैं, भाई बनते हैं, दुनिया बनाती है, कौन बनाती है, जो सीखता है। प्रॉब्लम है कि हम बिजनेस का खोलना जानते हैं, हम पेरेंट्स से लड़ना जानते हैं, मेरी कपड़े की दुकान करा दो, मेरे रेस्टोरेंट खोल के दे दो, मेरे को ये करा दो, जिम खोल दो, ठीक है, हर चीज में कैपिटल चाहिए, 20-20 लाख रुपये वहाँ भी चाहिए, 20-25 लाख रुपये से कम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। अपने पेरेंट्स से अगर आप
20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर आपके पास उतने पैसे हैं, लेके अगर आप रिलायंस के शेयर्स को भी लेके डाल दें, इन्फोसिस के शेयर्स को भी लेके डाल दें, टीसीएस को लेके डाल दें, तो ये तो शेयर्स के देते ही रिटर्न बहुत शानदार हैं। तो साल की कंपाउंडिंग ही 20-22% से होती है, तो आपको तो डिविडेंड मिलेगा वो अलग, प्रॉफिट मिलेगा वो अलग, रिटर्न मिलेंगी वो अलग, मतलब कहाँ करोड़पति नहीं बन सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम ट्रेडिंग से बाहर नहीं आना चाहते। ट्रेडिंग से बाहर आओ सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये आपका एक साल ना हो के एक क्वार्टर हो, तो हर क्वार्टर में 18% क्या पॉसिबल नहीं है? ऐसा भी पॉसिबल है। दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस कैन सरप्राइज यू विद इन 20 ट्रेड्स। 20 ट्रेड्स कितने साल में बनेंगे भाई बताइए? 3 क्वार्टर, 3-4 महीने का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल में 1.5 करोड़ के मालिक बन जाते हैं आप, 5 लाख पे लगा के। आपके ऊपर है सर क्या करना चाहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सक्सेस फॉर बिग बिलियनर्स। वो बाजार को रिटर्न्स की तरह से देखते हैं। और अगर मान लीजिए आप राकेश जिनवाला को हटा के वॉरेन बफे की बात करें, वॉरेन बफे अगर मान लीजिए 22% से खुश हैं, तो यहाँ पे यही पैसा 26 करोड़ बन जाता है, 26 करोड़ 67 लाख। तो यहाँ पे पैसा 2 करोड़ 66 लाख रुपए बन जाता है, 78,000, 2 करोड़ 66 लाख। आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। मैं इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ चुका हूं, मैं इसे भी काम कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरी बेस्ट डिलीवरी स्टॉक सर्विसेज है, उसमें मैं ऐसे स्टॉक्स निकालने की कोशिश करूं जहां पे जो क्वार्टरली कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर में वो स्टॉक्स मुझे 12-15-18% की रिटर्न निकाल के दे। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी मिलते हैं जो डबल भी हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी मिलते हैं जो 40% भी चलते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं 3 से 4 महीने के लिए, बट जहां 6ठा महीना होता है वहां वो स्टॉक डबल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पास रहे हैं। त्रिवेणी 70 रुपीज से 180, 190, 200+ भी हुआ एक साल के अंदर में। हम लोगों ने पहले इनिशियली 4-6 महीने कोई मूवमेंट नहीं आई। एनआरबी बेयरिंग पड़ा रहा 4-6 महीने के लिए, पर उसके बाद जब चला तो एनआरबी बेयरिंग 100 रुपए से सीधा 180 रुपए हुआ। 80% की रिटर्न, मजाक है। स्टॉक मार्केट इज नो फन। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गाइस आई होप कि आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ रही होगी, और कैसे 1 लाख रुपए से 1 करोड़ बना जाए, या 5 लाख रुपए से 2.5 करोड़ बना जाए, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इस एक्सेल शीट को मैं पक्का डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके जरूर डाउनलोड कीजिएगा, थोड़ा खेलिए इसके साथ, मजे कीजिए, ताकि आपके सपने पैदा होंगे क्या कमाना है, क्या कमाना है, कैसे कमाना है। सब होगा सिर्फ सीखने के बाद। सीखने पे दिमाग लगाइए, खुद सीख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, नहीं तो प्रोफेशनल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी भी मास्टर क्लासेस होंगी, बहुत ही जल्दी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, कॉन्टैक्ट कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। चलिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो सबको शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि एजुकेशन पे सबका अधिकार है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।